हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के ए से लेकर डी पार्ट तक सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और ए पार्ट में हमें गिवन है 1/2 ऑफ, और इसमें भी आगे दो पार्ट गिवन है, यानी कि हमें 1/2 ऑफ 24 भी फाइंड आउट करना है और 1/2 ऑफ 46 भी फाइंड आउट करना है। अब ये ऑफ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ये सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है 1/2 ऑफ 24। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 1/2 एज इट इज आएगा। ऑफ का मतलब हमने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई होता है, यहां मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहां पर ये 24। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड है स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर ये 24 अकेला नहीं है, इसके नीचे जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब नीचे की तरफ क्या होता है डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब पहला मेथड तो ये हो सकता है कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 24 वंदा, यहाँ 24 आ जाएगा, और 2 वंदा यहाँ अपॉन में 2, और फिर ये 24 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। या दूसरा मेथड ये है कि अगर ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से कट सकता है तो आप सीधे सीधे यही काट सकते हैं। तो हम आपको सीधे सीधे यही ये काट कर दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2 वंदा 2, क्योंकि ये 24 2 से कटेगा और 2 तो 2 से कटता ही है, तो 2 वंदा 2। और जब हम इस 24 को काटेंगे तो ये कैसे कटेगा, देखिए 2 वंदा 2, ये 2 तो कट गया, बचा क्या 4, 2 टू द 4। तो जब हमने 24 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 12। अब देखिए 12 वंदा 12, और अपॉन में क्या आएगा 1/1, यानी कि अपॉन में 1, तो अपॉन में तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो 1/2 ऑफ 24 कितना आ गया, 12 आ गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो जब हम किसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम उस नंबर का हाफ निकाल रहे हैं। 24 का हाफ कितना होता है, 24 का हाफ 12 ही होता है। तो हमने यहाँ पर 24 का हम कह सकते हैं कि हमने हाफ ही फाइंड आउट किया है। तो 1/2 ऑफ 24 आ गया 12। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स 1/2 ऑफ 46। तो यहाँ पर 1/2 हमने एज इट इज लिखा, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और 46 एज इट इज। अब देखिए ये 46 इस 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 वंदा 2, और यहां देखिए 2 टू द 4, ये 4 तो कट गया, बचा क्या 6, 2 3 द 6। यहां पर आपने ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को आपको एक ही नंबर से काटना होता है। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि इसको किसी और नंबर से काट रहे हैं और इसको किसी और नंबर से। तो 46 किससे कटा, 2 से कटा, 2 वन द 2 एंड 2 23 द 46। अब देखिए 23 इंटू 1 23, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या है 1, तो 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नीचे ये 1 मिलेगा, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो 1/2 ऑफ 46 हमें क्या मिल गया है, 23। बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 2/3 ऑफ 18। तो ये 2/3 हमने एज इट इज लिखा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई का साइन आया, 18 एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर में 18 है और यहां डिनोमिनेटर में 3 है, ये 18 इस 3 से कट सकता है, 3 वंदा 3 और 3 सिक्स द 18। अब देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अब हम इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू द 12, डिनोमिनेटर में यहां भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 1 इंटू 1, यानी डिनोमिनेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 2/3 ऑफ 18 हमें कितना मिल गया है, 12 आ गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स 2/3 ऑफ 27। तो ये 2/3 एज इट इज, ऑफ की जगह यहां मल्टीप्लाई, 27 एज इट इज। अब देखिए ये 27 इस 3 से कट सकता है, 3 वंदा 3 एंड 3 नाइन द 27। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो न्यूमरेटर को अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 टू द 18, और इस डिनोमिनेटर 1 को इसके नीचे जो डिनोमिनेटर 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, यानी डिनोमिनेटर में 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं होती। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया है 2/3 ऑफ 27 का, वो आ गया है 9 इंटू 2, यानी के 18। सी पार्ट में हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स 3/4 ऑफ 16 एंड 3/4 ऑफ 36। तो पहले हम सोल्व करते हैं 3/4 ऑफ 16 को।
तो सबसे पहले तो 3/4 यहाँ पर एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 16 एज इट इज। अब देखिए ये 16 इस 4 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 1 द 4 एंड 4 4 द 16। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहां न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द यहाँ 12 आ जाएगा, और 1 × 1 क्योंकि यहाँ नीचे 1 है तो 1 × 1 यानी डिनोमिनेटर में 1, जिसको यहाँ लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो 3/4 of 16 का जो फाइनल आंसर हमारा आ गया है वो आया है 12। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 3/4 of 36। तो ये 3/4 हमने एज इट इज लिखा, ऑफ की जगह यहाँ मल्टीप्लाई, 36 एज इट इज, ये 36 इस 4 से कट जाएगा। देखिए 4 1 द 4 एंड 4 9 द 36। अब इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 द 27, और डिनोमिनेटर में यहां भी 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, 1 × 1 यानी यहां पर 1 है जो अंडरस्टूड है, यहां पर आप 1 लिखे या ना लिखे वो आपकी चॉइस पर होता है। तो 3/4 of 36 का फाइनल आंसर हमारा आ गया है 27। इसके डी पार्ट में स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है 4/5 of 20 एंड 4/5 of 35। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 4/5 of 20। तो ये 4/5 यहाँ एज इट इज आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 20 एज इट इज। अब ये 20 5 से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, 5 1 द 5 एंड 5 4 द 20। अब यहां पर 4 × 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 × 1 होगा तो वो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 × 4 यानी कि 16। तो 4/5 of 20 का हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स 16। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 4/5 of 35। तो ये 4/5 यहां पर हमने एज इट इज लिखा, ऑफ की जगह ये मल्टीप्लाई, 35 यहां पर एज इट इज आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये 35 इस 5 से डिवाइड किया जा सकता है, 5 1 द 5 एंड 5 7 द 35। 7 × 4 करेंगे यहां पर आपको 28 मिल जाएगा। तो 4/5 of 35 का फाइनल आंसर है 28। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।